तो बताते हैं देश रहे हैं कि आज से उपभोक्ता के बिजली बिलों के भुगतान शुभारंभ कर रहे हैं जोर दूर कर लिया ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लगातार सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अब वक्त है एक ऐसी योजना नहीं बल्कि समाजवादी सुगंध इसका का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर समाजवादी सुगंध का लोकार्पण मान मुख्यमंत्री जी के कर कमरों से और इससे पहले पुनीत जैन जो कि जाने माने मास्टर परफ्यूमर है कुछ शब्द कहना चाहते हैं। Honorable Chief Minister, respected dignitaries, on and off the dais, and my media friends, a very, very good afternoon to you. Today is the day for me. It's indeed a matter of delight to connect to some of our specially formulated, recently introduced fragrances. लोगों का कहना है कि हम perfumes बनाने का और बेचने का कारोबार करते हैं पर मेरा मानना है कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग पॉजिटिविटी हम सकारात्मक सोच फैलाने का काम करते हैं। बिलीव मी परफ्यूम की एक छोटी सी बूंद आपका मूड और मिजाज दोनों पॉजिटिव करने का ताकत रखती है। सुगंध की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो लोगों को अपने पास खींचती है जहां सुगंध लोग अपने पास खींचे को विशाल चौहान जी के साथ साथ उनके पूरे विभाग की टीम को जितने भी इंजीनियर्स और जो लगातार इस प्रयास में रहे कि जो सरकार की प्राथमिकता है उसको पूरा करने में जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनका धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बिजली 14 घंटे 16 घंटे 20 और 24 घंटे ये आंकड़े कहने के लिए तो घंटे हैं लेकिन इनको पूरा करने के लिए कितना परिश्रम पीछे हुआ है। जो चीज दिखती नहीं है हमें केवल बिजली आई है कि बिजली नहीं है ये दिखाई देता है लेकिन जनरेशन में कितना काम हुआ है ट्रांसमिशन में कितना काम हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में कितना काम हुआ है और कम से कम उन प्रयासों को उन मेहनत से जो जनरेशन में मेहनत हुई है उन तमाम प्रयासों का परिणाम यह है कि आज से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बढ़ करके बिजली गांव और शहरों में देने जा रहे हैं। कितने सब स्टेशन बने हैं कितनी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई या जनरेशन को उस लेवल पे लाने के लिए कितना प्रयास हुआ होगा ये कोई मामूली काम नहीं है कोई छोटा काम नहीं है। लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग इस स्थिति पर पहुंचे हैं और उसका परिणाम आज सामने दिखाई दे रहा है। हम तो ये कहते हैं कि अगर पुरानी सरकारों ने और बेहतर हमसे काम किया होता तो मैं शायद आज की तारीख इस बात के लिए होती कि मैं 24 घंटे बिजली दे देता लेकिन मैं प्रदेश के तमाम लोगों को और विभाग के सामने भरोसा दिला सकता हूं
कि आने वाले समय में इसी रफ्तार से काम होगा और जनता का अगर सहयोग मिला और जनता ने अगर आशीर्वाद दिया, हालांकि हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जनता ने भी अगर आशीर्वाद दिया तो ये उत्तर प्रदेश होगा जहां 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना बड़ा परिवर्तन कम से कम 4 साल के बाद हम ये कह सकते हैं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सरकार डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। यहां आप बात कह सकते हो अपनी, आप अपनी कोई परेशानी है वो कह सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि अधिकारियों पर सख्ती करो, ये सही है कि जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती भी है, लेकिन कम से कम सरकार ने एक नई परिभाषा भी दे दी कि प्यार से भी अधिकारियों से काम लिया जा सकता है। और इतनी आजादी, इतना खुलापन किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जितना समाजवादियों ने दे करके दिखाया, और उसका परिणाम सामने है। ये उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। ये सही है, शक्ति से भी काम होता है, लेकिन शक्ति पे भी भारी कभी कभी सम्मान और प्यार हो जाता है, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सरकारों में काम हुए हैं, सरकार ने बहुत काम किए हैं। एक एक विभाग की मैं उपलब्धि बताऊं तो बड़ी उपलब्धियां हैं, और मैं तो चाहूंगा कि वो तुलना हो आखिरकार कि किस सरकार ने कितना काम किया है, किस सरकार ने किस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की है। मैं आदरणीय अहमद साहब से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ दल ऑफलाइन हो गए हैं। आदरणीय अहमद साहब ने ठीक कहा है कि कुछ दल तो ऑफलाइन है, कुछ आउट ऑफ नेटवर्क भी चले गए हैं, उन्हें नेटवर्क खोजने से नहीं मिल रहा है। और इसलिए भी कि उनके नारे जो थे अगर वो ऑफलाइन ही है, अगर आज 6 दिन की बात हो तो बताओ कितने लोग हैं जो जनता के सामने फेस कर सकते हैं कह करके क्या, हाँ हमने नारा दिया था 6 दिन लाने का। या कम से कम समाजवादियों का ये तो रहा, काम करने के परिणाम ये तो रहे कि जो लोग स्मारक मूर्तियां और पत्थर लगाते थे, उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि हाँ आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, विकास काम करेंगे। कम से कम लोगों की भाषा बदल गई। और मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उदाहरण देश को दिए हैं। अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये केवल 2 शहरों को नहीं जोड़ रहा है, आसपास जो शहर जुड़ रहे हैं केवल वो नहीं जुड़ रहे हैं, कई गांव उससे जुड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और खासकर हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम ये एक्सप्रेस वे करेगा, जो आगरा से लेकर के फिर आने वाले समय में गाजीपुर तक जाएगा। ऐसा कोई देश में प्रदेश सरकार नहीं बना पा रही जो सरकार बना रही है। मेट्रो का काम ये जो तेजी से है, रफ्तार से है, जो लखनऊ में आ जाए महीने 2 महीने बाद वो परिवर्तन देखता है कि इतनी तेजी से काम नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार ने वो काम करके दिखाया कि आज देश में आप और जहां जहां मेट्रो बन रही हैं, कितना समय लगा पहला पिलर लगाने में। मैं उन सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन पहला पिलर लगाने में कई वर्ष गुजर गए, कई हम लोगों से जाने कितना पीछे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने और समाजवादियों ने कम से कम जब तय किया और जो तारीखें तय की हैं उन तारीखों के हिसाब से काम चल रहा है। और देश में यह भी उदाहरण पेश किया है कि सबसे तेजी से अगर कहीं मेट्रो बन रही है तो वो लखनऊ की मेट्रो बनेगी, जो तेजी से आज भी दिखाई दे रही है। लोगों ने स्मारक बनाए, टिकट लगा दी, कोई नहीं जाता उनके अंदर। गणेश मिस पार्क देख लीजिए, लाखों लाख लोग आते हैं, लाखों लोग। रिवर फ्रंट तैयार होने जा रहा है, बड़े पैमाने पर रिवर फ्रंट पर काम चल रहा है। और यह भी उदाहरण पेश किया जा रहा है कि इतनी रफ्तार से कभी भी नहीं काम हुआ होगा जो उत्तर प्रदेश में गोमती के किनारे हो रहा है। अगर नदियां आप साफ करना चाहते हो तो मैंने कई बार कहा कि नदियां तभी साफ होंगी जब उसमें गंदगी ना जाए, और गंदगी कैसे रोकोगे, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अगर हमारे शहर की गंदगी और गांव की गंदगी और इंडस्ट्री की गंदगी ना जाए तो हमारी नदियां साफ सुथरी बनेंगी, उसके लिए तो कहीं ना कहीं इंतजाम करना होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने लखनऊ में उदाहरण पेश किया कि गंदगी नहीं आने देंगे, और गंदगी अगर आएगी तो उसको साफ करके गंदगी तभी जा सकता है पानी इसके अंदर, वरना नहीं जाएगा।
एम्बुलेंस पर भरोसा पैदा हुआ है लोगों को, 102 108, अगर एम्बुलेंस न होती तो न जाने कितनों की जान चली जाती। पूरे प्रदेश में लोगों को भरोसा है कि हाँ अगर फोन करेंगे तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी उनके पास। इसी तरह हम पुलिस के लिए काम करने जा रहे हैं। डायल 100 के बाद मैं समझता हूं कहीं जहां अगर पुलिस की जरूरत है और फोन पहुंच जाएगा तो पुलिस भी 15 मिनट और 10 मिनट में पहुंचने का काम करेगी। वो भी एक बड़ा सपना समाजवादी ने देखा, वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में काम किए, लोहिया जी के नाम पर जो योजना चलाई, बड़े पैमाने पर गांव हुए, गणेश मिश्र जी के नाम पर काम हुए, जो मंडियां बननी थी मंडियां बनाने का काम शुरू हुआ है, किसानों को इतनी सुविधाएं कभी नहीं मिली होंगी, सिंचाई को लेकर के डैम बनाने का काम, नहरों से पानी पहुंचाने का काम, समय पर बीज, समय पर खाद, और अगर दुर्घटना में कहीं मृत्यु हो जाए तो किसान बीमा से मदद पहुंचना, अब तो उसका दायरा भी बढ़ा दिया, और उस दायरा के बढ़ जाने के बाद करोड़ों लोग और शामिल हो गए। देश में यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अकाउंट खोले, केवल अकाउंट नहीं खोले हैं बल्कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुलवाने का काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने कर करके दिखा दिया। ये तमाम विकास है, केवल सूची यहां खत्म नहीं होती है, सूची बहुत लंबी है। जिले जिले में काम हुआ है और कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों ने विकास का रास्ता और जो तरक्की का रास्ता है वो खोलने का और दिशा तय की है। इन तमाम कामों को पूर्ण हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था बदलेगी उसमें सबका लाभ होगा, कोई ऐसा नहीं जिसका लाभ ना हो। अगर अखबार में ये पढ़ने को मिले कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अच्छे काम है जिसकी वजह से सब लोगों को लाभ पहुंच रहा है। और जो लोग विकास पर चर्चा नहीं करना चाहते, जो काम पर नहीं करना चाहते, मैंने सदन में भी सुनते हुए लोगों को देखा है कि विकास तो बहुत हुआ है लेकिन कानून व्यवस्था में सरकार पीछे है। हम तो यही कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर कहां की है। तो जो विकास पे काम बात नहीं करना चाहते, सड़क पे बात नहीं करना चाहते, वो केवल एक मुद्दा ढूंढ करके लाएंगे कि कानून व्यवस्था। मैं आने वाले समय में भरोसा दिला सकता हूं अब जो काम मॉनिटर होने हैं वो हमारे अधिकारी मॉनिटर करेंगे। अगर कानून व्यवस्था पे कोई मॉनिटर करेगा तो हम लोग खुद भी मॉनिटर करेंगे, जिससे कि कम से कम उदाहरण पेश करें कि हाँ उत्तर प्रदेश और लखनऊ और खासकर पुलिस का कामकाज बेहतर है और अच्छा हो दिखाई दे रहा है। और डायल 100 के बाद मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन दिखाई देगा कि हाँ पुलिस मौके पर पहुंच रही है, और पुलिस में कोई भी अगर शिकायत की गई होगी तो उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। इसलिए जहां तक राजनीति के सवाल है, आज तो अच्छा दिन है, खुशी का दिन इसलिए भी है कि 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल पूरे होने के बाद हमसे ज्यादा खुश कौन और होगा, जहां सबका सहयोग मिला और उसी सहयोग की वजह से कम उन तमाम कामों को और घोषणा पत्र को हम लोग पूरा कर सके। इस मौके पर 4 साल में तमाम हमारे सभी सहयोगी, हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी और हमारे पत्रकार साथी भी, जिन्होंने समय समय पर हमें जगाने का काम किया, समय समय पर हम लोगों को जानकारी देने का काम किया अपनी खबरों के माध्यम से, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। और कम से कम मैं ये कह सकता हूं 4 साल के बाद कि ये लोकतांत्रिक सरकार ने, समाजवादी सरकार ने गांव और शहरों के बीच में संतुलन बनाकर करेगी, किसान नौजवानों को और एक नई अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किया है। कम से कम ये सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, और जब कभी भी तुलना होगी चाहे वो दिल्ली की सरकार की या जो दूसरी सरकार जिसको हम लोगों ने हटाया है, आप सबसे बेहतर अगर किसी को पाएंगे तो समाजवादी सरकार को पाएंगे जिन्होंने काम करके दिखाया। साथ ही साथ मैं पुनीत जैन को और पम्मी जैन साहब जिन्होंने इत्र का आज शुरुआत की है कि समाजवादी सुगंध, विरोधी पूछ सकते हैं कि समाजवादी एम्बुलेंस भी है, समाजवादी हमारे वो भी है, समाजवादी भी सुगंध हो गई, क्योंकि एक बार मैंने कह दिया नदियां समाजवादी हैं और स्वाभाविक है नदियां समाजवादी इसलिए हैं क्योंकि हर धर्म जात के लोग उसके आसपास रहते हैं। मैंने लैपटॉप कह दिया समाजवादी है क्योंकि भेदभाव खत्म करता है, और जिस समय से इंटरनेट लग जाए हर तरह की इंफॉर्मेशन का भी कम से कम एक प्लेटफॉर्म लाने का काम करता है। ये हमारी सुगंध भी आज समाजवादी सुगंध, ये भी सब भेदभाव खत्म करेगी।
ये मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने हर शहर को चुन करके वहां की अलग परफ्यूम बनाई है, और ये कम पड़ जाएगी क्योंकि समाजवादी लोग अब परफ्यूम भी लगाने लगेंगे। कम से कम लगाएंगे हम, खुशबू किसी और को मिलेगी। सड़क हम बनाएंगे, चलेंगे सब लोग। 108 केवल समाजवादियों की नहीं है, इलाज के लिए तो सब लोगों की है। तो कम से कम हम लोगों को बताना पड़ेगा जनता को कि हाँ ये काम समाजवादियों की वजह से, लोगों को पेंशन मिल रही है इससे बड़े पैमाने पर, 45 लाख से 55 लाख पहुंचने जा रही है। लेकिन वो ये न जाने इस बात को कि ये समाजवादी पार्टी की वजह से सरकार बनने के बाद मिली है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हम लोगों को कमी दिखाई देगी। इसलिए जहां विकास में हम लोग आगे हैं, वहीं प्रचार में भी खराब दिखाई देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और 4 साल पूरे किए हैं, मैंने सदन में भी कहा है कि लगातार बजट पेश करने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी ने कहा 4 साल, मैं कहूंगा 6 साल, क्योंकि 2 साल अभी और ऐड कर दो उसमें। इसलिए उसके लिए सरकार और हम पार्टी के लोग मिलकर के काम करेंगे, जिससे कि जनता ने जहां मौका दिया है और मौका मिलने के बाद जो काम जमीन पर उतारने का काम किया है, उन्हीं चीजों को लेकर के और कम से कम प्रदेश में सद्भाव बना रहे। तमाम ताकतें हैं जो इस माहौल को बिगाड़ेंगी। तो 4 साल पूरे हुए सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री गिनाते हुए और 1 साल का खाका खींचते हुए कि किस तरीके से हमें विकास की रफ्तार को तेज करना